वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों मैं इंदरजीत सिंह, तुसी देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ते यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये वाला जो टाइम होंदा Q&A दा, ये वीडियो तुसी हर रोज़ रात को 8:30 बजे यूट्यूब तो देखते हैं क्यों। इस वीडियो दे विच मैं थोड़े सवालों के जवाब दिता है, तुसी कमेंट के रूप में मैं सवाल करते हो तो मैं थोड़े जवाब डेली दिना है। सो आओ शुरू करते हैं अज्जा Q&A। अमित सरपंच पुछते हैं भाजी कनेडा का विजिटर वीजा कदों अपलाई करिए ताकि रिजल्ट जल्दी आ सके, मे बी 1-1.5 मंथ ओनली। तो भाजी विजिटर वीजा लई आईलैट्स जरूरी है कि नहीं, कि इंटरव्यू होंगी है विजिटर वीजा लई कि नहीं? ब्रदर देखो, ये कोई अपने घर की दुकान नहीं हैगी कि असी कदे भी रिजल्ट लै सकते हैं। जो प्रोसैसिंग टाइम है उन्हें लगना ही लगना, हज़ार ही एप्लीकेशन लगिया हुई ने तो हज़ार ही लग रही ने। सो जिहड़ा प्रोसैसिंग टाइम है वो 175 डे का है, इस तो घट फिलहाल वीज़ा नहीं आ सकता। किसी भी तरीके लाओगे 1-1.5 महीने के रिजल्ट नहीं आ सकता, तो ये वास्ते कोई आईलैट्स की जरूरत नहीं होंगी, तो इंटरव्यू भी ये नहीं होंगी। अरहान गाइड लिखते हैं भाजी सत श्री अकाल, क्या मैं इस टाइम वर्किंग वीज़ा लेकर जा सकता हूँ कैनेडा? इंडिया ने विजिट वीज़ा ओपन किया है कनेडा के लोगों के लिए? नहीं देखो, हाले अभी ओपन नहीं है कनेडा ने टूरिस्ट, इंडिया ने टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं किया हुआ, हाले अभी ओपन नहीं है और इसके लिए आपको जो है वेट करनी पड़ेगी। अतेंद्र सिंह लिखते हैं जी, USA टूरिस्ट वीज़ा ओपन ब्रदर और नॉट? ITR आई हैव जे फार्म बैंक स्टेटमेंट इज़ फ्रास्ट ओल्ड माई एज इज़ 20 फ्रैश पासपोर्ट, गॉड ब्लैस यू आल टाइम। ब्रदर तुसी कर सकते हो, USA का अपलाई कर सकते हैं। USA के वास्ते थोनू किसी एज लिमिट की जरूरत नहीं होंगी, तो फिलहाल USA ओपन नहीं है, उम्मीद की जा रही नैक्सट मंथ जरा ओपन हो जा रहा है USA। अगे चाल जी लिखते हैं, सर तुहाड़ियां वीडियो बहुत वधिया हुंदियां ने जी, वाहेगुरु तुहानू दिन रात दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे। शुक्रिया जी, थैंक यू चाल जी जी। दीप सिंह लिखते हैं जी, ITR किन्ने दी होवे? टूरिस्ट वीज़ा दे पुछते हैं जी। टूरिस्ट वीज़ा वास्ते दोस्तों ITR 5-6 लाख की जी है सफिशेंट होंगी है, जे थोड़ी 5-6 लाख की ITR हैगी है तो तुसीं टूरिस्ट वीज़ा अपलाई कर सकते हो। अगे GS चाहल लिखते हैं, अकेला वीज़ा किन्ने विच मिल जू वीर जी? इहदा देखो ब्रदर, अलग अलग कंसलटेंट की अलग अलग फीस होंगी है, तुसीं किस कंसलटेंट तो अपलाई करना चाहते हो उसकी फीस कुछ भी हो सकती है जी। गगनदीप सिंह, सर मैं स्टूडेंट हाँ इंडिया च, कि मेरा वीज़ा लग सकता है और डाकूमेंट कि चाहिए ने कनेडा वीज़ा वास्ते? स्टूडेंट का भी लग सकता है जी, स्टूडेंट का कल का वीज़ा नहीं लगता, उन्होंने अपने मादर फादर नाल जी है फाइल लानी पैंती है। सो जे तुसी स्टूडेंट हो, तुसी आपके मादर फादर नाल आपकी फाइल अपलाई कर सकते हो। अगे जसपाल सिंह धुना लिखते हैं, DS-160 US एम्बेसी पर फिलिंग नॉट कनेडा? DS-160 जिहड़ा हैगा जी वो USA दे टूरिस्ट वीज़ा वास्ते हुंदा हैगा, कैनेडा वास्ते नहीं। अगे जसप्रीत सिंह लिखते हैं, सर मेरी 2019 स्टडी वीज़ा रिफ्यूजल है, मेरे को जे फार्म हैगे ने सर, मेरे नाम ते मैं अप्लाई कर सकता कनेडा? हाँ जी, टूरिस्ट वीज़ा कर सकते हो, जे थोड़ी प्रोफाइल चंगी है तो तुम टूरिस्ट वीज़ा जिहड़ा हैगा वो अप्लाई कर सकते हो। अगे कैम भी लिखते हैं, फ्री लांसर लिए की डाकूमेंट चाहिए ने जी? वही ITR बैंक स्टेटमेंट बैंक बैलेंस, सोए जे थोड़े को पेपर है तुसी कर सकते हो। कृष्ण लाल कहते ने, भाजी थोड़ी फीस ही ज़्यादा हैगी जी। देखो हरेक बंदे दी आपदी काम के मुताबिक फीस होंदी है जी, साड़ी जिहड़ी फीस सी बहुत घट रखी हुई हैगी है, फिर भी जे थानू ज़्यादा लगती कोई गल नहीं, तुसी आ सकते हो, असी देख लांगे कि थानू असी किन्ना डिस्काउंट दे सकते हैगे, तुसी आपदे फाइल लैके आ सकते हो। अगे कुलवंत सिंह लिखते हैं, भाजी टूरिस्ट वीज़ा की एंट्री कदों तो ओपन होनी है? USA ब्रदर मे बी नैक्सट मंथ जिहड़ा हैगा ओपन होएगा, फिलहाल तो ओपन नहीं हैगा, नैक्सट मंथ उम्मीद की जा रही है कि ओपन होएगा जी। अगे नरेंद्र सिंह लिखते हैं, सर कितना को खर्चा आ जाता हैगा जी कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा पर, प्लीज़ जरूर दस्सियो। ब्रदर खर्चा तो हरेक कंसलटेंट का अलग अलग फीस होंगी है, कोई कंसलटेंट किन्नी फीस लैंदा, कोई किन्नी लैंदा हैगा, जिहड़ी दी एम्बेसी फीस है वो 11,000 होंदी है, प्लस जो कंसलटेंट की फीस से वो डिपेंड करता किन्नी होंदी है, वो तुसी उस कंसलटेंट को फोन करके कंटैक्ट जिहड़ा कन्फर्म कर सकते हो। अगे नील लिखते हैं, सरदार जी सत श्री अकाल,
कैब अनशो योर लाइसेंस योर टॉकिंग वीज़ा एप्लीकेशन कनेडा ऑस्ट्रेलिया कैन आई अपलोड योर लाइसेंस। तुसी कॉल करियो जी, मैं समझ नहीं पाया तुसी की कहना चाहते हो, सो तुसी मैनू कॉल कर सकते हो। अगे सरपंच साहब लिखते हैं, भाई जी समझ नहीं लगी, पिछे साउंड इन्ना ज़्यादा किया है, सिर्फ साउंड ही सुनाई दे रहा है, थोड़ी आवाज़ तो आती नहीं, कृपा करके इस साउंड बिल्कुल बंद रखिया करो। ठीक है जी, अगे तो ध्यान रखिया करेंगे। शिव शर्मा लिखते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन सर जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे सर जी, मैं आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ सर, एक वीडियो आप DS 160 पर बनाए, हमें गाइड करें कि हम DX 60 फ्रॉम अच्छे से कैसे फिल कर सकते हैं। बिल्कुल जी शिव शर्मा जी, ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट पे हम ध्यान देंगे। अगे सुखदीप सिंह सोमल लिखते हैं, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की वीडियो जल्दी लेके आओ वीर जी। जरूर जी, जल्दी लेके आवेंगे जी। अगे तरन तुरना लिखते हैं, ओपन कदों हो यूके टूरिस्ट वीजा ब्रदर? वैसे ओपन है, फाइलां लग रही ने, पर यूके का जोड़ा बैन हैगा ट्रैवल बैन है, सो तां करके हाले फाइलां नहीं ला रहे है। अगे वर्ष शाह लिखते हैं, आई हैव 50 ट्रक एंड माई इनकम 2-3 करोड़, मैं अप्लाई करना चाह तो मिल जूगा वीजा? बिल्कुल मिलेगा जी, जो थोड़ी इन्नी टर्नओवर हैगी है, इन्नी थोड़ी इनकम हैगी है, जो थोनू वीज़ा मिलेगा और किसू मिलेगा जी, सो तुसी अप्लाई कर सकते हो ब्रदर, तुसी कॉन्टैक्ट कर लो, थोड़ा अप्लाई करवा देंगे जी। अगे बीर दविंदर भुलर लिखते हैं, सर हुण तक यूके टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हो जी, पर हले ट्रैवल बैन हैगा यूके, सो हले अवॉइड कर लो तो ज़्यादा वधिया हैगा। अगे वायरल वीडियो अराउंड द वर्ल्ड लिखते हैं, भाजी आई वन मल्टीपल वीज़ा फॉर एनी कंट्री, आई एम ग्रेजुएट, 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड 29 ईयर ओल्ड। बिल्कुल ले सकते हो जी, कई कंट्रियां मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिंदियां ने, तुसी अप्लाई कर सकते हो, की थोड़ी प्रोफाइल है तुसी फोन ते साडे नाल डिस्कस कर सकते हो। अगले ने जी यार, ए वजीत हैरी, इज़ मैडिकल एग्जाम रिक्वायर्ड फॉर कनेडा टूरिस्ट वीज़ा? नहीं जी, कैनेडा वास्ते किसी तरह का कोई मैडिकल या कोई मैडिकल एग्जाम नहीं होंदा, सो टूरिस्ट वीजा तुसी विदाउट किसी मेडिकल तो कर सकते हो। अजीत ग्रेनी लिखते ने, अपने तो बड़े ही शान से वीडियो बना दिया, बट यू हैड नॉट क्लियर विच एयरलाइन गो टू स्विट्जरलैंड फ्रॉम इंडिया, इज इट एयर इंडिया, लुफ्थांसा, KLM और एयर फ्रांस, विच एयरलाइन गोज, प्लीज़ क्लीयरफाई प्लीज़ दैट आल्सो, थैंक यू। ब्रदर देखो, जिहड़ियां सानू एयरलाइनस मिलणगियां है ना, हुण असीं अप्लाई कीते ने, जदों वीज़ा आ जाणगे उस तों बाद ही असीं टिकटां कन्फर्म करांगे, सो उस समय किहड़ियां आपां नूं एयरलाइनस मिलदियां ने उही डिपेंड करदा हैगा। हुण आपणे कोल कोई इस टाइम कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन तां नहीं हैगी एयरलाइन दी, क्योंकि लिमिटेड एयरलाइनस ही वर्क कर रहियां ने, सो जदों वीज़े लग जाणगे, जदों असीं उत्थे जाणा हैगा, उदों ही असीं जिहड़ा हैगा तुहानूं दस सकदे हां वी किहड़ी एयरलाइन होगी। सो थैंक यू दोस्तों, ये सीगे थोड़े कमेंट, उम्मीद करता थोड़ी वीडियो वधिया लगी होगी, वधेरे जानकारी लिए तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।